नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दुष्कर्म पीड़िता की फोटो उजागर करने के मामले में ट्विटर ने राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया और उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक होने के बाद अब कांग्रेस ने दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करते हुए ट्विटर इंडिया को अकाउंट लॉक करने की चुनौती दी है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल दिल्ली में 9 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की घटना में पीड़िता की पहचान उजागर करने की वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने ट्विटर को चुनौती दे डाली। विपक्षी पार्टी ने हैशटैग मैं भी राहुल के साथ ट्वीट किया और लिखा, ट्विटर इंडिया हमारा भी अकाउंट लॉक कर दो, हम आपको चुनौती देते हैं, न्याय के लिए लड़ने और सच को उजागर करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर विवादित तस्वीर को शेयर किया, जिसकी वजह से पहले ही राहुल गांधी के हैंडल को लॉक किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल शनिवार को अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा था कि राहुल गांधी के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ट्विटर की ओर से इनकार किए जाने के बाद पार्टी ने कहा कि अकाउंट को लॉक किया गया है। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किए जाने को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के दबाव में ऐसा किया गया। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी सरकार दलित की बेटी को न्याय देने की बजाय हमदर्दी व न्याय मांगने वाली बुलंद आवाज को दबाने का षड्यंत्र कर रही है। मोदी जी ट्विटर को डराकर राहुल गांधी का अकाउंट बंद कराकर भी बेटी से न्याय की आवाज नहीं दबा पाएंगे। ट्विटर को दबाएं या फिर FIR दर्ज कराएं, न्याय देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।